नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। ये जो घटना है अब जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूं, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में घटी है। चंदौली जिले के नवही गांव में, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक नवजात शिशु की डेड बॉडी मिली है। बच्चे की जो डेड बॉडी मिली है वो इतनी बुरी कंडीशन में मिली है, उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जानवरों ने खा लिया था। कुछ लोग जब खेत की तरफ जा रहे थे तो उन्हें वहाँ रास्ते में वो बच्चे का शव मिला। इसको देखकर उन्होंने कोतवाली थाने को इन्फॉर्म किया। वहाँ की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुँची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो कोतवाल राजीव सिंह जी हैं, उनका कहना है कि ऐसा लगता है मानो बच्चे के शव को कुत्तों ने खा लिया हो। क्या रीज़न ऑफ डेथ है, ये तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल ये है कि उस पूरे इलाके में इस चीज़ को लेकर बहुत चर्चा है कि आखिर किसी ने अपने बच्चे को इस तरह से क्यों डाल दिया होगा। पालोना को लगता है कि ये जब बच्चे को छोड़ा गया होगा तो शायद वो जीवित भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि नॉर्मल डेथ के बाद बच्चे को वहाँ छोड़ दिया गया हो, यानी कि बच्चा स्टिल बॉर्न बेबी हो, जिसकी जन्म के दौरान मौत हो गई हो या बाद में इलाज के दौरान मौत हुई हो। ये तो अभी बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल्स हमें मिल नहीं पाई है, क्योंकि ये जो घटना है इसकी जानकारी हमें गूगल सर्चिंग के दौरान मिली थी। उसी समय स्थानीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स पर हमारी नज़र गई, जिससे ये घटना, ये इसके बारे में हमें पता चला। घटना जो घटी है वो 26 दिसंबर को घटी है, और पालोना का ये मानना है कि बच्चा जीवित हो या मृत हो, उसके साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर बच्चे मृत भी जन्म लेते हैं, मान लीजिए, या उनकी मौत हो जाती है जन्म के तुरंत बाद, तब भी उनकी मौत को एक सम्मान तो अवश्य मिलना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी शहर में मृत शवों को, या चाहे वो बड़े व्यक्ति का जैसे शमशान घाट में या कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, इसी प्रकार से नवजात बच्चे के लिए भी प्रॉपर अंतिम क्रिया होना ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे इसी तरह से जानवरों के शिकार हो जाते हैं, और उसके बारे में पढ़कर जानकारियाँ जिन्होंने सामने से देखा था, उन सभी के लिए ये बहुत ही तकलीफ के पल होते हैं। इसलिए पालोना लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर बच्चे की सामान्य मौत भी हुई है तो भी इस तरह से बच्चे के शव को छोड़कर अपने आप को कानून की नज़र में दोषी ना बनाएं। ये याद रखिए कि नवजात शिशु के शव को कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर छोड़ना या गुपचुप तरीके से छोड़ना वो आईपीसी सेक्शन 318 के तहत अपराध है। इसमें सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा ये कानूनी अपराध है। ये तो सही है, कानून की नज़र में ये अपराध है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मानवता की दृष्टि में ये बहुत बड़ा अपराध है। इसमें किसी भी बच्चे के साथ बिल्कुल मत कीजिए, और आप अपना बच्चा है तब तो बिल्कुल नहीं आपको ये करना चाहिए। सही तरीका ये है कि जो भी शहर में नवजात शिशुओं के अंतिम क्रिया के लिए जो भी स्थान मुकर्रर है, बच्चे को वहीं दफनाया जाना चाहिए। दफनाने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिंदू धर्म में खासकर बच्चे को जलाया नहीं जाता है, उसका दाह कर्म नहीं किया जाता है, बल्कि उसको या तो पानी में बहा दिया जाता है या कहीं दफना देते हैं। तो दफनाना भी उचित स्थान पर ही चाहिए, क्योंकि अगर इधर उधर कहीं दफनाया जाए और वो बहुत गहरा ना हो, तब भी अक्सर कुत्ते वहाँ से शव को निकाल कर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। तो मेरी अपील है आपसे, पालोना की ये अपील है कि प्लीज़ अपने बच्चे के शव को प्रॉपर सम्मान दीजिए, जैसा कि आप उसके ज़िंदा रहते हुए करते। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।